बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000 रुपीज। दोस्तों अगर आपको अभी के टाइम पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में या फिर बिग बिलियन डे सेल में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा बढ़िया हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 25,000 के बजट में आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जिसका कैमरा बढ़िया मिलेगा, जिसे आप इस सेल में खरीद सकते हैं। अपने लिस्ट का फोन का कैमरा तो बढ़िया होगा ही, नो डाउट। इसके अलावा पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा, बड़ा रैम स्टोरेज मिलेगा एंड अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा। तो फीचर्स इन सभी फोन्स में काफी बढ़िया होने वाला है और इन सभी फोन्स के स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट में पहला फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है, विदाउट बैंक ऑफर 25,000 के अंडर में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा बढ़िया हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 22,000 तक में मिल जाएगा। तो काफी अच्छा ये फोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलेगा जो की पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 800 nits का ब्राइटनेस भी है। तो डिस्प्ले फोन का बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। और भाई सैमसंग का कैमरा है तो कैमरा नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा। आई मीन इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है एक्जिनोस 1380 वाला जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, तो प्रोसेसर इस बजट के हिसाब से सही है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो गाइस इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा, बैकअप आपको अच्छा खासा मिल जाएगा इससे। इसके अलावा रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.4mm का थिकनेस एंड 199 ग्राम इस फोन का वेट है। डिजाइन वगैरह को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और वेट और थिकनेस तो एवरेज टाइप का है ही। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो विदाउट बैंक ऑफर इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 24,999 रुपया है, बट अगर आप इस फोन को इस सेल में बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपया में मिल जाएगा। तो इस बजट के हिसाब से ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट का अगला फोन का। गाइस लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 1। काफी महंगा में ये फोन लॉन्च हुआ था बट इस सेल के दौरान ये फोन आपको 24,000 से 25,000 तक में मिल जाएगा और इस बजट के हिसाब से इस फोन में सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा। इवन कैमरा भी इस फोन का काफी बढ़िया है। तो क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है इस फोन में, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1200 nits का पीक ब्राइटनेस एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह इस फोन का सब कुछ बढ़िया है, इवन डिस्प्ले भी इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के पीछे की साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है और गाइस सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सोनी MX766 वाला सेंसर लगा हुआ है एंड 1.7 का अपर्चर भी है और उसी में ही OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और सेल्फी कैमरा में सोनी MX471 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर 30fps पर और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। और इस फोन के कैमरा में आपको भर के मोड फिल्टर देखने को मिल जाएगा। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 6 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। तो इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है एंड स्कोर भी सही है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4500mAh का बैटरी मिलेगा, सपोर्ट करता है 33W का चार्जर। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया है। 8.3mm का थिकनेस एंड 194 ग्राम इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस इस फोन का एवरेज टाइप का है एंड डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करें
करेंगे तो ये फोन नथिंग ओएस के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। इसमें 3 ईयर तक का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इस फोन का बेस वेरियंट का प्राइस इस सेल में मिलेगा आपको 25,000 के अंडर में। तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE 3 5G। अगर आपको OnePlus की तरफ से आने वाला एक अच्छा सा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा एकदम तगड़ा लेवल का हो, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। और ये फोन भी आपको इस सेल के दौरान 25,000 के अंडर में ही मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब गाइस इसमें 6.7 इंच का फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा और 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। नो डाउट डिस्प्ले इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो गाइस इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर और पीछे का कैमरा में सोनी MX890 वाला सेंसर लगा हुआ है। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर सकते हैं। कैमरा पर्पज के लिए इस फोन का कैमरा सही होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 6 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है। तो प्रोसेसर पावरफुल है एंड स्कोर भी इस बजट के हिसाब से सही है। इनमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 80W का चार्जर को, यानी कि 80W का चार्जर को 0 से 60% चार्ज लगभग 15 मिनट में करके दे देगा। तो काफी बढ़िया है ये चार्जर। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो गाइस इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 8.2mm का थिकनेस एंड 184 ग्राम इस फोन का वेट है। ये चीज एवरेज टाइप का है, बाकी 3.5mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन ऑक्सीजन OS 13.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो गाइस ये फोन आपको Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा। इस सेल के दौरान इस फोन का प्राइस होने वाला है 22,999 रुपया, यानी कि 23,000 रुपया में ये फोन आपको मिल जाएगा। 23,000 के बजट के हिसाब से ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। गाइस लिस्ट में चौथा फोन आता है पोको की तरफ से, पोको F5 5G। गाइस ये फोन भी काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, अगर आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ साथ अच्छा कैमरा भी चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं और वैसे भी ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ये फोन भी आता है, 7.98mm का थिकनेस एंड 181 ग्राम इस फोन का वेट है। काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है एंड दिखने में भी काफी खूबसूरत सा लगता है। इसके अलावा इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट तो होगा ही। गाइस ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स का। इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है एंड 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ इस बजट के हिसाब से सही है। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के पीछे की साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। गाइस कैमरा इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 9.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। गाइस प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को, इसको बढ़िया चार्जर कह सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। गाइस इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और ये फोन आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिलेगा और इसका प्राइस होने वाला है 20,999 रुपया, यानी कि 21,000 रुपया में ये फोन आपको मिलेगा और 21,000 के बजट के हिसाब से ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का।
लिस्ट में अब जो फोन आता है वो फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटरोला एज 40। अगर आपको 25,000 के अंडर में एक अच्छा बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा वगैरह बढ़िया मिले, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है कि ये एक वाटरप्रूफ फोन है, जो कि ये चीज इस बजट की किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इस फोन का बैक साइड प्लास्टिक एंड लेदर का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 7.5 mm का थिकनेस एंड 171 ग्राम इस फोन का वेट है, यानी कि पतला एंड लाइट वेट सा फोन है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन स्टोक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। इसमें 2 ईयर का मेजर अपडेट मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 15 तक का अपडेट मिलेगा। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 inch का फुल HD प्लस कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1200 nits का पिक ब्राइटनेस भी है। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 megapixel का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 megapixel का है, और गाइस सेल्फी कैमरा वो 32 megapixel का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। आप आगे पीछे दोनों कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी 4K रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। नो डाउट कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 वाले एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। 7.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। इसमें 4400mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 68W का चार्जर को। 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये फोन आपको बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिलेगा और ये फोन इस सेल के दौरान आपको 25,000 के अंडर में ही मिलेगा। तो 25,000 के अंडर में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो लिस्ट में आखिरी फोन आता है IQ की तरफ से, IQ New 7 5G। अगर आपको इस सेल के दौरान 25,000 के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा बढ़िया हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। वैसे सिर्फ कैमरा ही नहीं, एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन भी है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। वैसे ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.6 mm का थिकनेस एंड 193 ग्राम इस फोन का वेट है, यानी कि वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है। और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन फंटस 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। और हाँ गाइस, इसमें 3.5 mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा और ना ही एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन होगा। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 inch का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 300Hz का डस्ट सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस एंड इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। नो डाउट डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ इस बजट के हिसाब से बढ़िया है। और ब्राइटनेस तो काफी ज्यादा है, अगर आप इस फोन को धूप वगैरह में यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। खैर इसके अलावा कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 64 megapixel का है, सेकंड कैमरा थर्ड कैमरा 2 megapixel का है जो कि मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है। एंड वही सेल्फी कैमरा वो 16 megapixel का है, यानी कि 16 megapixel का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। और आप पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का सही है और इस फोन के कैमरा में आपको काफी सारा मोड फिल्टर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम, गाइस इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 8.5 lakh के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी इस बजट के हिसाब से काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आपके फोन में कैमरा के साथ साथ पावरफुल प्रोसेसर भी चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। हाँ, इसके अलावा बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 120W का चार्जर को। गाइस ये एक काफी बढ़िया चार्जर है, आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस विदाउट बैंक ऑफर 28,000 रुपया है, बट अगर आप इस फोन को सेल में लेंगे तो 26,000 तक में मिल जाएगा। और हाँ, ये फोन आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा जो कि अमेज़न पर है। तो अगर आपको 26,000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। खैर इस वीडियो में मैंने 25,000 के बजट में आने वाले जितने भी अच्छे स्मार्टफोन थे सभी को मैंने बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।